पावन नगरी देवघर में मंगलवार को रघुवर सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होने वाली है। यह बैठक दिन के 3 बजे सर्किट हाउस में होगी। वहीं इससे पहले सुबह में सीएम रघुवर दास ने बाबा मंदिर में पूजा की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे देवघर मंदिर में भगवान शिव पर सीएम रघुवर दास दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं और काफी भक्ति भाव से भगवान की आराधना कर रहे हैं। झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक है और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सभी मंत्रीगण यहाँ आए हैं और विशेष रूप से श्रावणी मेला जो विश्व प्रसिद्ध मेला है उसकी तैयारी के लिए श्राइन बोर्ड की भी बैठक है। ये पूरी तैयारी आने वाले श्रावण मास में जो बड़ी मेले आयोजन होता है बाबा बैद्यनाथ के आशीर्वाद लेने के लाखों लाख करोड़ों लोग जो आते हैं उनके तैयारियों के दृष्टिकोण से और इसे बाबा की नगरी में आशीर्वाद लेकर के नई झारखंड और नए दिशा में हम लोग आगे बढ़े और हम लोग कामयाबी को हासिल हो इस प्रार्थना करके पूरे झारखंड का कल्याण हो सभी के सुख समृद्धि सबसे पहले आप ही लोगों को पता चलेगा। पहला कैबिनेट की बैठक होने वाली है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री के साथ सारे मंत्री हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और भगवान से ही आशीर्वाद बाबा की नगरी में मांगने के लिए आए हैं कि हमारे झारखंड प्रदेश को एक खुशहाल प्रदेश और इस संथाल प्रदेश पूरे झारखंड प्रदेश को मिला जुला करके हम एक विकसित प्रदेश के रूप में स्थापित करें। इसलिए आज पूरे मंत्रिमंडल कैबिनेट मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक होने वाली है उसमें हम लोग आए हैं। निश्चित रूप से हमें बाबा नगरी में आकर के पहला कैबिनेट करके निश्चित रूप से आनंद और हर्ष महसूस हुआ। आपको बता दें कि सोमवार की रात ही मुख्यमंत्री रघुवर दास रांची से देवघर के लिए दुमका इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन से रवाना हो गए थे। उनके लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस में स्पेशल कोच जोड़ा गया था। उनके साथ कैबिनेट मंत्रियों और सचिवों की पूरी टीम देवघर गई हुई है। आप देख सकते हैं कि कैसे अपने सीएम को एक झलक देखने के लिए रांची रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि सुरक्षा को लेकर जीआरपी के जवानों ने दोनों तरफ से रस्सी के सहारे घेराबंदी किए हुए थे। करीब 9:30 बजे मुख्यमंत्री रघुवर दास रांची स्टेशन पहुंचे और स्पेशल कोच में सवार हुए। कोच के अंदर जाते हुए उन्होंने दरवाजे पर लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया। इसके बाद कोच के अंदर उन्होंने अपना बिस्तर भी खुद ही लगाया। बहरहाल श्रावणी मेले की तैयारियों के बीच देवघर में होने वाले इस कैबिनेट बैठक को काफी अहम माना जा रहा है और इसे विधानसभा चुनाव की रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में आज की बैठक में रघुवर सरकार संथाल परगना को कई सौगात दे सकती है। रांची से लाइव सिटीज के लिए विनोद की रिपोर्ट।